हेलो फ्रेंड्स, प्रियाज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार ढोकला बनाने की रेसिपी। और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि हम घर में किस तरीके से दो तरह से ढोकले आसानी से बना सकें। तो सब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें एक कप बेसन डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 कप सूजी। सूजी जो है वो हमारे ढोकले को थोड़ा स्पॉन्गी और दानेदार बनाने का काम करती है। तो इसमें 1.5 कप सूजी लेंगे और 1/4 कप दही लेंगे। दही मैंने इसमें फ्रेश लिया है और इसको डालकर मिक्स कर देंगे। दही जो है वो बैटर को, जो ढोकले का बैटर है वो उसको और स्पॉन्गी बनाने का काम करता है। और इसको धीरे धीरे पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। पानी हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे ताकि जो बैटर है हमारा ढोकले का वो ज़्यादा गीला ना हो। हमें इसका सेमी थिक बैटर बना के रेडी करना है, इसीलिए हमें इसे लगातार चलाना है और धीरे धीरे ही पानी इसमें ऐड करना है। जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तब हम पानी उसमें ऐड करेंगे और लगातार इसको चलाएंगे ताकि जो बैटर है हमारा ढोकले का उसमें एक भी गांठे या लम्प्स ना बने। इसका हमें बहुत ध्यान देना है। अगर हमें बैटर गाढ़ा लग रहा है तो हम फिर से इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरीके से इसको धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स करेंगे। देखिए, हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा ना हो, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और जब हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बैटर की रेडी हो जाएगी तो पानी फिर उसमें हमें ऐड नहीं करना है। ये देखिए, ये हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसमें हम 2 बारीक काट कर हरी मिर्च डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसमें 2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी जो ढोकले के जो हल्की मिठास होती है उसका काम करती है, तो 2 छोटी चम्मच इसमें चीनी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। और इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, जो इसमें चीनी, नमक, जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं वो बहुत ही नपे तुले हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका ढोकला बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और इसमें मैंने 1 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसमें जो नींबू का जूस मिक्स करने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच हम रिफाइंड ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। आप जो ऑयल यूज़ करते हो वो आप डाल सकते हो, मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। और इसको मिक्स करेंगे और इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी से जो हमारा ढोकले का कलर है वो बहुत अच्छा आता है। और हल्दी डालकर हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, कंसिस्टेंसी जो ढोकले की है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसको हम 20 मिनट तक कवर करके रख देंगे ताकि जो बैटर है ढोकले का वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पर कुकर रखेंगे और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें जो स्टैंड है वो हम रख देंगे कुकर के अंदर, क्योंकि हमें जो ढोकला है वो भाप से पकाना होता है, इसलिए हम पानी डालकर स्टैंड इसमें रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। कुकर के ढक्कन की सीटी हमको निकाल देनी है ताकि जो उसकी जो भाप है वो आसानी से निकल सके। ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं और जो बैटर है ढोकले का वो सेट हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें हम 1 चम्मच इनो सॉल्ट बिना फ्लेवर वाला लेंगे और ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम लगभग 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि जो इनो सॉल्ट है वो बैटर को हमारा फुला देता है
जो ढोकले का बैटर है तो उससे थोड़ा बैटर हमारा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स करें, बैटर को मिक्स करेंगे इस तरीके से। बैटर हमारा बनके रेडी हो गया है। ढोकला बनाना है, उसमें हम 1 छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे हाथों से अच्छी तरह, ताकि जो ढोकले का बैटर है उसमें चिपके नहीं और ढोकला हमारा बनने के बाद आसानी से प्लेट में निकल आए। तो इसे हमें हाथ से अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस करना है इस तरीके से। और जो हमारा ढोकले का बैटर है वो हम इसमें डाल लेंगे। देखिए पानी भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने ढोकले का जो बैटर रखा है बर्तन में, उस बर्तन को अच्छे से इसमें कुकर के अंदर प्लेस कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। हमें इसे 15 मिनट तक पकाना है मीडियम आंच पर। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इडली मेकर में हम ढोकला बना सकते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इडली का जो कुकर है वो गैस पर रखेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसमें 1 से 1.25 कप पानी डालेंगे। पानी की मात्रा कुकर के साइज़ पर डिपेंड करती है। अगर आपका इडली मेकर का जो कुकर है वो बड़ा है तो आप 1.5 कप पानी डालिए, अगर छोटा है तो 1 कप पानी डालिए। आप देख सकते हैं मेरा जो इडली मेकर है वो थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने उसमें 1.25 कप पानी डाला है। और इसको कवर कर देंगे ताकि पानी गर्म हो जाए। और अब इडली की प्लेट लेंगे और उसमें ऑयल डालकर उसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, क्योंकि जो ढोकला का मिक्सचर है तक उस पर चिपके नहीं। इस तरीके से ब्रश से या हाथ से भी हम इसको अच्छे से ग्रीस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इडली मेकर में भी जो ढोकला है वो बहुत सॉफ्ट और जालीदार बनता है, आप बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करें। इडली की प्लेट हमने ग्रीस कर ली है और उसमें हम जो हमारा ढोकले का मिक्सचर है वो डालेंगे। हमको हर एक जो इडली बनाने की जो खांचा है उसमें 1 बड़ी चम्मच ही इडली ढोकले का बैटर डालना है, क्योंकि जो ढोकले का बैटर बाहर ना निकले इसलिए। ये देखिए इस तरीके से हर एक इडली में हमको 1 बड़ा चम्मच ढोकले का बैटर डालना है। देखिए जो कुकर में हमने पानी रखा था पानी गर्म हो चुका है और जो हमने मिक्सचर डाला हुआ है ढोकले का इडली की प्लेट में, उसको प्लेट को हम रख देंगे और इसको भी हम 15 मिनट तक पकाएंगे। इधर जो हम कुकर में ढोकला बना रहे थे वो लगभग रेडी हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं। इसको हम चेक करके देख लेंगे कि ढोकला हमारा बन चुका है। हम चाकू से इसको चेक करेंगे, अगर चाकू पर अंदर से कोई भी मिक्सचर इस पर चिपकता नहीं है तो इसका मतलब हमारा ढोकला बनके रेडी हो गया है और चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है। आपने देखा है उस पर बिल्कुल भी ढोकले का मिक्सचर चिपका नहीं है, इसका मतलब ढोकला बनके रेडी हो गया है। उसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे और अब गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2 छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल लिया है, यानी कि रिफाइंड लिया है। और इसमें 1 बड़ी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने डालेंगे और इनको फ्राई होने देंगे। ये हम तड़के के लिए रेडी कर रहे हैं, ढोकले में जो तड़का देना है उसके लिए।
अब इसमें हम 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे और करी पत्ता डालकर इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इनको बॉईल होने तक पकाएंगे। देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है, हमारा तड़का रेडी हो गया है। ये जो पानी है तड़के में, जो हम पानी डालते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है ना, हमारे ढोकले को और स्पंजी बनाता है और सॉफ्ट बनाता है। ये देखिए तड़का रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और इधर ढोकले को हम चाकू से चारों तरफ से इसको किनारे को इसको चाकू से चला देंगे ताकि आसानी से ढोकला निकल आए। और ये देखिए ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसकी किनारे हम काट देंगे ताकि इसका अच्छे से हम साइज़ में काट सकें। जो ढोकले का शेप होता है वो शेप देने के लिए हम इसके किनारे निकाल देंगे। ढोकला हमारा बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बना है। ऊपर से आप देख सकते हो कि छोटे छोटे से उसमें होल्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारा ढोकला बहुत जालीदार बना है और सॉफ्ट बना है। और इसको हम ढोकले को जिस तरीके से ढोकले का शेप होता है उसमें हम काट लेंगे। ये देखिए ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बना है और जालीदार बना है, आप देख सकते हैं। अब जो तड़का रेडी किया था वो थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इस पर वो जो तड़का है उसको धीरे धीरे करके डालेंगे। पानी जो हमने पानी तड़के में डाला था उसको अच्छे से हम ढोकले के ऊपर डालेंगे ताकि ढोकला हमारा और भी स्पंजी बने। ये देखिए ढोकला हमारा बनके रेडी हो गया है। इधर जो हमने इडली मेकर में ढोकला बनाने के लिए रखा था तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और जो ढोकला है जिस प्लेट में रखा है उस इडली की प्लेट को हम निकाल लेंगे। और थोड़ा ठंडा होने के बाद चम्मच की सहायता से हम ये जो ढोकले हैं उनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। आप देख सकते हो कि इडली मेकर में भी ढोकला है वो बहुत ही जालीदार बना है और सॉफ्ट बना है, ये देखिए। और जो तड़का हमने रेडी किया था उसी तरीके से हमें और तड़का रेडी करना है और इस तरीके से इनमें तड़का डाल देना है। और 2 तरीके से हमारा ढोकला रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। इसे आप चटनी के साथ या ऐसे ही सर्व कर सकते हैं और घर में आसान तरीके से आप बना सकते हैं। धन्यवाद।